आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कार्यक्रम हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि सृष्टि की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस कॉस्मॉस, और उस अल्टीमेट ट्रुथ को पाकर के हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए प्रतिदिन हम नए नए विषय लेते हैं, तो आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा सुंदर विषय है जियो और जीने दो। यह एक सापेक्ष सिद्धांत है, ये परस्परता का सिद्धांत है, ये परस्पर ब्रह्म जीवानाम ये सिद्धांत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि उसके शरीर के लिए, उसके परिवार के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारी पूर्ति है उसको समाज से होती है। अगर कोई व्यक्ति निरपेक्ष हो जावे और ये कहे कि मुझे परिवार की क्या जरूरत है, मुझे समाज की क्या जरूरत है, और कई ऐसे लोग, भयंकारी लोग होते हैं जो कहते हैं कि समाज तो मेरी जेब में है, यानी कि वो छंकलता करना चाहते हैं, वो अनुशासनहीनता करना चाहते हैं, वो जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग समाज के कंटक कहे जाते हैं और वो स्वयं अपना जीवन एक दुखी जीवन जीते हैं और साथ साथ में लोगों को भी दुखी बनाते हैं। देखिए, ये मान करके चलिए कि जो व्यक्ति सुखी होता है वही दूसरों को सुख दे सकता है, जो दुखी होगा वो दूसरों को दुख देगा। इसीलिए अगर हम स्वयं सुख चाहते हैं और औरों को सुख देना चाहते हैं, तो हमें जो ये सापेक्ष सिद्धांत जी और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये सृष्टि इतनी बड़ी है कि सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनियां निवास करती है, अपना भरण पोषण करती है, और वो जीवा योनियां मात्र बर्थ प्लेसेस है, और उन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, वो सारे इस ब्रह्मांड के अंदर अपना जीवन यापन करती है और एक दूसरे का एक दूसरे से संबंध होता है, उसकी आवश्यकता होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर एक किसान फूड ग्रेन्स न उगावे, कपास न उगाए, तो आपको कपड़ा कहाँ से मिलेगा, भोजन कहाँ से मिलेगा। अगर एक किसान वो खेती बाड़ी करके और वेजिटेबल सब्जियां ना उगाए, तो आपको खाने के लिए सब्जी कहाँ मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का कार्य करने वाला व्यक्ति, जो चीजें हमारी आवश्यकता रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यक चीजें होती है, उसका निर्माण न करे, तो वो हमारे पास में कैसे उपलब्ध हो सकेगी। वो उपलब्ध ना हो सकेगी तो हमें हमारा जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई आएगी। अगर व्यक्ति ये चाहे कि मैं तो हिमालय की गोद में जाकर के साधना करूं, वहां भी उसे परस्पर ग्रो जीवानाम सापेक्ष जीवन जीना पड़ेगा। जब तक हमारा शरीर है, हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। हम निरपेक्ष कब होंगे, जबकि ये सारा शरीर टूट करके और ब्लिस की अवस्था में पहुंच जाएंगे,
हम सनातन सत्य की अवस्था में चले जाएंगे, वहां पर केवल सुख ही सुख है, वहां पे बिल्कुल दुख ही दुख है ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम निरपेक्ष हो सकते हैं। और निरपेक्ष कौन हो सकता है? जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल गया, जो केवल ज्ञानी बन गया, वह निरपेक्ष हो सकता है। उसके पहले जो है व्यक्ति वीतरागी व्यक्ति को भी सापेक्ष रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको केवल ज्ञान होना है। लेकिन जो केवल ज्ञान होने के बाद में निरपेक्ष हो जाता है, वह और अधिक करुणाशील हो जाता है। भगवान महावीर के उदाहरण को लीजिए कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तपस्या की अपने भिक्षु जीवन के अंदर, और तपस्या करके कई कष्टों को सहन किया, क्योंकि भगवान महावीर ने अपने अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म हैं वो 23 तीर्थंकरों के कर्मों से भी अधिक ज्यादा जो है वो बलवान कर्म हैं। तो उन्होंने 12.5 वर्ष की तपस्या में साधु जीवन की वोसरे अपने शरीर का वो त्याग दिया और वो आत्म प्रकोष्ठ में चले गए, आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। उन्होंने ये मन वचन काया रूपी शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उसको जो इस मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है ये पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और उस भुगतान को पूरा करने के लिए ग्वालों ने भगवान महावीर के दोनों कानों में कीले ठोके, और उन्होंने जो है भगवान महावीर जो ध्यानस्थ खड़े थे तो दोनों पैरों को जो है वो अंगीठी बना करके, और उन्होंने जो है उसके अंदर खीर पकाई, और संगम देवता ने एक रात्रि के अंदर जो 20 मारणांतिक कष्ट दिए, तो इन सब के बावजूद भी भगवान अडोल रहे, भगवान हिले नहीं, डुले नहीं, और उस अडोल स्थिति में रहने के कारण, उन्होंने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने के कारण अपने कारमण शरीर को भस्मीभूत किया, और 12.5 वर्ष के अंदर जितने भी उनके कर्म बाकी थे, यानी जितने भी उनकी कॉजल बॉडी थी, वह कॉजल बॉडी सब जो है झर झर करके संपूर्ण निर्जरा होकर के, और वह कारमण शरीर जीरो हो गया। और कारमण शरीर जीरो होने के कारण जो है वो ज्ञाता दृष्टा बन करके, और अपने जीवन को जो है उन्होंने वो केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जियो जीने दो का सिद्धांत है, ये समाज में जीने का सिद्धांत है। मैं जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, और सारे लोग जीवन यापन करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो कोई भी प्राणी जन्म लेने वाला है वह प्राणी कोई भी दुख नहीं चाहता है। जब कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है तो आपको अधिकार क्या है दुख देने का? और जो चीज आप अच्छी नहीं समझते वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें, तो उसके ऊपर ये जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू होता है। अगर इस सिद्धांत को हम समाज के अंदर लागू करें तो हम जो है अभय दान दे सकते हैं। जो षट जीव निकाय है, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, उन सब को जो है हम अभय दान दे सकते हैं। यानी हम उन्हें कह सकते हैं कि हमारी मेरी जो है वजह से आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, मेरी तरफ से आप अभय हो, मैं आपके प्रति कोई तरह का हिंसा नहीं करूंगा। तो जियो और जीने दे का सिद्धांत है, एक रिलेटिव सिद्धांत है। अगर सिद्धांत की हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर समीक्षा करें कि अगर सिद्धांत को हम सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से लागू करते हैं तो हमारे व्यक्तियों का समूह है वो बहुत आसानी से रह सकता है। उस व्यक्तियों का छोटी जो इकाई है वो हमारा परिवार कहलाता है। अगर हमारे परिवार के अंदर जियो और जीने दे का सिद्धांत लागू किया जाता है तो घर के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, पहले जो है कई सदस्य एक साथ इकट्ठे रहा करते थे, वो सभी जो है वो सिद्धांत के अंदर जो रहने के कारण जो है बड़े सुखी रहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे का जो परस्पर है अच्छा सहयोग करते थे, उनकी आदर करते थे, उनकी 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 भावनाओं का आदर करते थे, और उनके आदर करने के कारण जो है वो उनके अंदर एक प्रेम की भावना रहती थी।
तो इसीलिए जो है हम ये आपको कहना चाहते हैं कि ये जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है वह एक ऐसा सुंदर आयाम है कि इसको जो है पूरे विश्व के अंदर लागू किया जाना चाहिए। भगवान महावीर ने जो है हम लोगों को प्रेरणा दी कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, तुम स्वयं भी जियो और जगत के सब जीवों को जीने दो, यानी उनके साथ के अंदर वह व्यवहार मत करो कि जैसा आप चाहते हो। तब देखिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज विश्व के अंदर 210 कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज के लोग अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार जीना चाहते हैं और वो जो है जीने के लिए उनको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और वो सम्मान कब किया जाएगा, वो सम्मान कब दिया जाएगा कि हमें उनके भी अस्तित्व की भावना, उनके अस्तित्व का हमें सम्मान होगा। अगर हम किसी के अस्तित्व को नकारते हैं इसका मतलब ये है कि हम स्वयं जो है अपने आप के अस्तित्व को नकार रहे हैं। इसीलिए हमें हर एक जीवित प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व में हमारा अस्तित्व निहित है। जियो और जीने दे का सिद्धांत है। अगर हमारे यूनाइटेड UNO के अंदर जो है ये सर्वसम्मति से लागू किया जाए तो आज देशों के बीच के अंदर जो साम्राज्य हड़पने की जो होड़ लगी हुई है, जो कि जखीरा इकट्ठा हो रहा है मिसाइल्स का, अणु बमों का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि हमें जो है वो व्यक्ति की कदर करना है, हमें समाज की कदर करना है और हमें एक दूसरे से दूसरे देश के प्रति भाईचारे का वातावरण रखना है। ये हमें जो सिद्धांत सिखाता है, लिव एंड लेट का सिद्धांत सिखाता है, ये हमें भाईचारे का सिद्धांत सिखाता है, ये हमें भातृत्व भाव सिखाता है, ये हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बताता है कि ये समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं सब इस वसुधैव कुटुंबकम के जो सदस्य हैं, यानी कि हम सभी वसुधा इसी पृथ्वी की संतान हैं और उसके साथ साथ के अंदर हम जो है एक ही वसुधैव की संतान होने के कारण भाई भाई है और इस भाई भाई से जुड़ करके ये भाईचारा आया, ये भातृत्व आया और ये भाई भाई का प्रेम आया। हमने रामायण को देखा है और रामायण के अंदर राम और लक्ष्मण का जो भाई का जो प्रेम था वह लिव एंड लेट अदर्स लिव का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए यह एक अमर सिद्धांत हो गया कि भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, यानी उनके बीच के अंदर जो है वो जियो और जीने दो का सिद्धांत कूद कूद करके भरा गया था। तो हम अब इस सिद्धांत का जो है अगर हम इसकी परीक्षा करें, इस सिद्धांत को गहराई के अंदर जाकर के देखें तो इस सिद्धांत के अंदर इतनी बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है कि अगर ये सिद्धांत हम अपने जीवन के अंदर लागू कर देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जितनी बुराइयां हैं, अहंकार की भावनाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से उनको स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि निरपेक्षता है वह अहंकार को जन्म देती है, निरपेक्षता है वो राग द्वेष को जन्म देती है, निरपेक्षता हमको समाज से काटती है, ये हमको समाज से तोड़ती है और सापेक्षता है जियो जीने दो का सिद्धांत है, ये हमें समाज से जोड़ने का सिद्धांत है। तो अगर हमें अपना अच्छा जीवन यापन करना है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व का विकास करना है तो हमें हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत से जो है अपना जीवन का जो है वह अस्तित्व रखना चाहिए, अपने जीवन का यापन करना चाहिए। देखिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष जो है 130 करोड़ लोगों की संख्या वाला है और विश्व का हर पांचवा व्यक्ति हिंदुस्तानी है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। एक इतना बड़ा देश जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में चलता है और हमारा हमारा जो संविधान है वो इतना परफेक्ट है कि लोग संविधान की कॉपी ले जा करके
और जो जो देश जो आजाद हो चुके हैं वो आजाद होने के कारण जो है वो चाहते हैं कि हम कैसा सिद्धांत बनावे, हम कैसा संविधान बनावे, तो वो भारत के संविधान को पढ़ते हैं, क्योंकि भारत का संविधान जियो और जीना दे के सिद्धांत पर आधारित है। सरकार ये कहती है कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है, 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, उन सबको जीने का अधिकार है और उनको समान रूप से जो है तरक्की करने का अधिकार है, यानी कि उसके अंदर सर्वोदय की भावना है। सर्वोदय का अर्थ हुआ कि सबका उदय होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। और जब ये भावना हम क्या हमारे हम लोगों के बीच में आ जाती है तो हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व करते हैं, एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं। आज के सिनेरियो को देखिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। आज प्रिंट मीडिया को उठा करके देखिए, आज टीवी को देखिए और आप किसी भी माध्यम को देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज की दुनिया में आपाधापी चल रही है। आज व्यक्ति बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है, वो डिप्रेशन के अंदर है और कई बीमारियों से ग्रसित हो गया है, उसको साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो गई है। इन सब का कारण यह है कि वह दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। जब व्यक्ति इगोस्टिक हो जाता है, जब व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं देता, उसको तवज्जा नहीं देता है और उसका कदर नहीं करता और उसका सम्मान नहीं करता है। वहां से तकलीफ जो स्टार्ट हो जाती है। और हम इस कुदरत के कानून को देखें तो कुदरत का कानून और कुदरत की रचना क्या कहती है कि जितनी भी 84 लाख जीव योनि के प्राणी है जो कि असंख्य अनंत संख्या के अंदर है, तो उन सब के अंदर वो सामान्य रूप से वो सभी एक से ही है। सभी जो आत्मा मूल रूप से है वो सबकी एक सी जो है उसके अंदर गुण है और वो ज्ञाता, सारी आत्माएं ज्ञाता दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन वाली, अनंत शक्ति वाली, अनंत सुख का धाम है, क्योंकि सामान्य रूप से हम सब एक है। ये भावना कहाँ से आती है और कहाँ से बलवती होती है, तो ये भावना जी और जीने दो के सिद्धांत से आती। देखिए कि सृष्टि के अंदर वाइल्ड एनिमल्स भी है और हमारे सहयोगी भी है और हमारा हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले भी है। जो वाइल्ड एनिमल में सांप को देखिए, शेर को देखिए, जो कि मनुष्य की हत्या तक कर देते हैं और मनुष्य को जो है कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वह भी जो है इस सृष्टि का, इस कुदरत का एक हिस्सा है, तो उसके प्रति भी जो है हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए। हमें उसके प्रति ये चिंतन रखना चाहिए कि यह प्राणी भी जीने का अधिकारी है, क्योंकि उसको जन्म देने वाले हम नहीं है। कुदरत की रचना यह क्या कहती है कि कुदरत कहती है जितने भी 84 लाख जीव योनि के प्राणी हैं, उन सब को जन्म देने वाली मैं माँ हूँ, वो नेचर माँ है और सबका भरण पोषण करती है, सबका पालन पोषण करती है। और हमारी ये सृष्टि माँ जो है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई होती है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो इन 5 घटकों से जब ये बनी हुई है और 5 घटकों से ही इसका पोषण करती है इन सभी प्राणियों का, और 5 घटकों में ही ये प्राणी जब विलीन हो जाते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, तब जो है वह पुनः वापस उसमें जाके मिल जाते हैं। इसीलिए इस सृष्टि की जितनी भी एनर्जी है वह हमेशा जो है एक सी रहती। आइंस्टीन ने उसको E=mc² के रूप में बताया है। ई का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, एम का मतलब मास है, सी का अर्थ कांस्टेंट है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वह किसी भी क्षण न घटती है न बढ़ती है, वो तो स्थिर है और उसका रूपांतरण होता है। जो हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी है वो ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन से बदलता है, और ये सारी सृष्टि है ये वाइब्रेशन से बनी हुई होती है। इसीलिए कहा गया है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है।
क्योंकि ये जो है ये सब जो सिद्धांत जो है ये वाइब्रेशंस के सिद्धांत पर आधारित है। और जिन लोगों ने जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा और साइनोसोडल वेव के बारे में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे के अंदर पढ़ा है तो वो जानते हैं कि जो कुछ भी बोला जाता है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, भगवान महावीर ने महापुरुषों ने जिस जिस समय पर जो जो बात कही वो सारे ब्रह्मांड के अंदर इकट्ठी हो गई और भगवान महावीर की जो वाणी है जिन वाणी है उसको जो है आज पुनः इस सिद्धांत के द्वारा जो है वाइब्रेशंस को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर बदलने की कोशिश की जा रही है। वीडियो न भी बदले लेकिन ऑडियो के जो फॉर्म के अंदर बदलने की कार्रवाई जो है जारी हो चुकी है। क्योंकि ये सारा जो ब्रह्मांड है वह सापेक्ष है, सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव है। इस ब्रह्मांड के ऊपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चलती है तो व्यक्ति को कभी भी निरपेक्ष भावना नहीं रखनी चाहिए। और जब भी निरपेक्ष भावना हमारे दिमाग के अंदर आ जाए तो हमें चिंतन करना चाहिए, लिव एंड लेट अदर्स लिव के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। लिव एंड लेट अदर्स लिव ऐसी एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है कि जब कभी हम स्वार्थी बन जाते हैं, जब कभी हम अहंकारी बन जाते हैं, जब कभी भी हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जब कभी भी हम स्वार्थ के अंदर गिर जाते हैं तो उस समय के अंदर हमें याद करना चाहिए भगवान महावीर के सिद्धांत को कि लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं अकेला प्राणी नहीं हूँ संसार के अंदर, यहाँ पर असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सबको जीने का अधिकार है और वह वो उसको किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। अभी सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो अध्यात्म है उसको हम समझें। अध्यात्म का अर्थ है कि भीतर की ओर जाना, भीतर की ओर जाने से जो प्रभु का साम्राज्य दिखाई देता है वो सारा साम्राज्य हर प्राणी के अंदर एकता है। और वह जो है इंद्रियातीत जगत है, वह जगत है शब्दों का जगत नहीं है। हमारे जितने भी शब्द है वो बुद्धि तक आकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से जो है बुद्धि के स्तर पर जितना कार्य होता है, जितने हमारी पुस्तकें हैं, जितने हमारे प्रवचन है उसके अंदर भेद चलता है। लेकिन जब हम वाइब्रेशन के नर जगत में चले जाते हैं, जब हम तेजस शरीर के जगत में चले जाते हैं, जब हम अवचेतन मन के जगत के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर मात्र वाइब्रेशंस होती है। उसके अंदर ईसा मसीह जाए, उसके अंदर जो है पैगंबर जाए और उसमें उसके अंदर जो है कोई भी साधक जाए, कोई भी और दूसरा कैसा भी जो है व्यक्ति जाए, चाहे जो है वो किसी भी धर्म को मानने वाला जाए, सबको एक सी वाइब्रेशंस दिखाई देती है। वहां पर सत्य दिखाई देता है, वह सम्यक दर्शन दिखाई देता है। इसीलिए जितने भी आज अध्यात्म से जुड़े हुए धर्म है वो सारी एक सी बात क्यों बताते हैं? वो कुदरत का कानून बताते हैं कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा पाओगे। ये सारा एक रूपता क्यों आती है? ये एक रूपता आती है हमारे भीतरी जगत के अंदर, भीतरी जगत में जाने के कारण एक रूपता जो आती है। और वो एक रूपता जब आती है तो जो है हम सबको एक सी चीज दिखाई देती है। ये कितना सुंदर उपक्रम है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव है। अगर हम इसकी समीक्षा करें तो हमको पता पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर जितने जितने लोगों की आइडियोलॉजी है, जितने जितने लोगों का चिंतन है, वो सब चिंतन जो है उसका हम सम्मान करेंगे। और लिव एंड लेट अदर्स लिव को मानने वाला व्यक्ति जो है वो अनेकांतवादी बन जाता है, उसका एकांत दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है। लिव एंड लेट अदर्स लिव जो है हमें जो है अनेकांतवादी बनाना बताता है। वो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ या किसी ने कोई बात कही, किसी धर्म ने कही, किसी व्यक्ति ने कही, किसी शास्त्र ने कही, किसी न किसी रूप में उसमें सत्यांश है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, हमारा जो धर्म दर्शन बता रहा है वह भी एक सिद्धांत है। भी आने से जो है हम रिलेटिव हो जाते हैं, भी आने से लिव एंड लेट अदर्स लिव का फॉर्मूला जो है लागू हो जाता है। इसलिए हमें जो है
घी की भाषा बोलनी चाहिए। घी की भाषा हमें निरपेक्ष बनाती है। घी की भाषा में हम दूसरे का सम्मान छोड़ देते हैं, हम अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और वहीं से हमारा विनाश का कारण चालू हो जाता है। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उन सब महापुरुष ने, किसी भी महापुरुष के जो है इतिहास को उठा कर देखिए, अरविंदो को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए और जो है ईसा मसीह को देखिए और पैगंबर को देखिए, सबको देखिए, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो है हमेशा हर प्राणी का जो है सम्मान किया। यानी उन्होंने लिव एंड लेट लिव का जो है फॉर्मूले का खूब अच्छी तरह से जो है रसा स्वादन किया, उसको जिया। तो भाई और बहनों, हम जो इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन के अंदर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, एक आइडियल लाइफ जीना जीवन चाहते हो, एक सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो अपने जीवन के अंदर हर क्षण आप लिव एंड लेट अदर्स लिव के एक्सपेरिमेंट करते रहें, इसका पालन करते रहें और इसको जीवन में उतारते रहें। क्योंकि एक ऐसा पावरफुल सिद्धांत है जो सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, सबके विचारों को स्वीकार करता है और शांतिपूर्ण छह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करता है। हम जितना जितना दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे और दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, उतना उतना जो है हमें वो भी जो है उतना पसंद करेगा। क्योंकि ये जो है हमारे जीवन का जो सार है वो गिव एंड टेक पर आधारित है। अगर आप मुझे इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं भी आपको जो है इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा और उससे ये मल्टीप्लिकेशन होता है। जब बहुत से लोग इस भावना से चलते हैं तो एक अच्छा समाज बनता है, देश बनता है और एक समृद्ध विश्व बनता है। और उसी भावना से जो है वसुधैव कुटुंबकम का अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों ने जारी करी और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से ही भारत एक धर्म गुरु देश बन पाया। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में सबके विचारों का आदर है, सब लोगों को समान समझा जाता है, सबको समान अधिकार है, सबके साथ सर्वोदय है। तो इस सिद्धांत का पालन करने से हर प्राणी सुखी हो जाता है। जितने भी इस सृष्टि के अंदर प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को जो है सम्मान देने का अर्थ हो गया कि लिव एंड लेट अदर लिव जो है वो हमें पालन किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर हम जियो और जीने दो के सिद्धांत को आज के परिप्रेक्ष्य में ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं और इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है सामाजिक उपयोगिता और ये किस प्रकार एक व्यक्ति को अच्छा जीवन बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है, कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, विश्व का निर्माण कर सकता है, तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अनेकांतवादी विचारधारा है और ये सापेक्षता का सिद्धांत है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और इसके अंदर एकांतवाद को कोई स्थान नहीं है। जब आप सामने वाला व्यक्ति या जिसके साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हो, अगर उसको आप सम्मान दोगे, उसकी उसकी भावधारा का आप जो है इज्जत करोगे, तो निश्चित तौर पे आपको इज्जत होगी, मिलेगी। तो विश्व के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे मानव के निर्माण के लिए जियो और जीने दो का सिद्धांत बहुत कारगर है, कारगर है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में कह सकते हैं कि लिव एंड लेट अदर्स लिव ऐसा एक पावरफुल सार्वभौमिक सनातन सत्य और ये कुदरत कुदरती रचना और कुदरत से कानून से जुड़ा हुआ विषय है कि अगर इसका पालन किया जाता है तो हम एक सुखी जीवन, हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सबका कल्याण हो और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना।